बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना इलाके में जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की धारदार हथियारों से गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसकी गर्दन काटने के बाद हाथी के हाथ भी काट डाले और हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक के शव को अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार हत्या की वारदात उद्योगनगर थाना इलाके के सालपुरी गाँव में हुई। सालपुरी निवासी राधेश्याम यादव अपने परिवार में अकेला था और उसका जमीन के विवाद को लेकर भाई विक्रम यादव से झगड़ा चल रहा था और आरोप है कि विक्रम यादव अपने भाई राधेश्याम यादव की जमीन को हड़पना चाहता है। राधेश्याम यादव अपने कुएं से घर वापस आ रहा था और उसी दौरान हमलावरों ने धारदार हथियार से पहले राधेश्याम की गर्दन पर वार किया जिससे वो नीचे गिर गया। उसके बाद उसके दोनों हाथ पैर हाथ पर वार किया और इससे राधेश्याम का एक हाथ कट गया और दूसरे हाथ में गंभीर घाव हो गया। हमले के बाद राधेश्याम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे